चलो जी, चलो सरसों का तेल गर्म हो गया जी, झटपट फटाफट 5 मिनट के अंदर कैसे बनाऊंगी अच्छे वाले करेले सीखो जी जल्दी। सरसों का तेल मैं इसमें लहसुन जरूर डालती हूँ जी, ऐसे हरी मिर्ची लहसुन डाल देना है, ये भी अपने आप पकेगा जी, सब कुछ अपने आप पकेगा। और करेले और आलू भी डाल देंगे साथ में, और साथ में डाल देंगे नमक, ऐसे लंबे लंबे काट लेने जी, पतले पतले बीज निकाल देने, और आलू भी लंबे लंबे काट लें, अपने आप नीचे से लहसुन भी हो जाएगा। आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हो, आज मैंने प्याज नहीं डाले, बहुत ही सिंपल वाली रेसिपी, ढक के बस बनाएंगे, 5 मिनट में गल जाएंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे नमक, करेले दवाई के जैसे खाया करो जी, करेले खाना बहुत ज़रूरी है जी। देखो जी, थोड़ा सा नमक डाल दो, इसमें डालूंगी मैं हल्दी, पहले मैंने आपको दिखाए थे अलग स्टाइल के करेले, अभी बता रही हूँ दूसरे और सिंपल। देखो जी, अभी इसमें डालनी है हमको थोड़ी सी हल्दी, हल्दी से ना कलर सुंदर आ जाता है। देखो जी, और हरी मिर्ची हमने डाल दी है, लाल मिर्ची आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो मत डालिए। इन चीज़ों पर नए नए स्टाइल से बना के खाया दीजिए, आज मैंने हल्दी वाले देखो बना दिए, आप ऐसे बना के खाओ बहुत मज़ा आने वाला जी। बस इसको अभी हमने अच्छे से ढक्कन से इसको ढक देना है, और 5 मिनट में हमारे करेले हो जाएंगे रेडी। आपको लगता है नीचे जलने का डर है तो हल्का सा छीटा दे दो पानी का, हल्का सा छीटा, आप चाहो तो रेड चिल्ली भी डाल सकते हो, मैंने ग्रीन चिल्ली डाल दी है। और करेले भी वैसे ही कड़वे होते ना, कुछ भी ना पाओगे ना मिर्ची तो भी अच्छी, तो भी स्वाद आएगा जी खाने को। हल्की सी 2 बूंदे पानी की डालेंगे जिससे कि हमारे चिपके नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमने झटपट फटाफट बनाना है ताकि चिपके नहीं। मैं ऐसे बनाती हूँ सिंपल वाले करेले, अभी हमने इसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ढके रहने देंगे, और अपने आप ये पक जाएंगे, 2 मिनट में 10 मिनट में बन जाएंगे करेले।